दोस्तों आईपीएल 2024 में 16वें मैच में कोलकाता ने आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। कोलकाता ने 272 रन बनाए। दिल्ली की तरफ से जब ईशान शर्मा लास्ट ओवर लेके आए तो अंतरसिल स्ट्राइक पर थे, उस समय कोलकाता का स्कोर 265 रन था, मतलब 12 रन चाहिए थे आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर तोड़ने के लिए। लेकिन ईशान शर्मा ने आंद्रे रसेल को एक खतरनाक यॉर्कर बॉल मारा, जो कि रसेल खेल नहीं पाए, गिर गए और बोल्ड हो गए। यह काफ़ी खतरनाक बॉल थी ईशान शर्मा की तरफ से। यह विकेट लेने के बाद ईशान शर्मा ने कोई सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि रन बहुत ज़्यादा हो चुका था। ईशान शर्मा की बॉलिंग में अभी भी धार दिखती है। ईशान शर्मा अपने समय के बहुत ही तगड़े बॉलर हैं। टेस्ट मैचों में वह काफ़ी शानदार गेंदबाजी करते रहे हैं भारत की तरफ से। आईपीएल में भी उनका स्विंग देखने को मिलता है। वीडियो को लाइक करें और ईशान शर्मा के लिए एक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।